दोस्तों इंडिया वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन्स का मैच खेला गया। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया वुमेन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। यहाँ दोस्तों शेफाली वर्मा यहाँ पर टीम इंडिया वुमेन्स की पहली बल्लेबाज बनी, जिसने यहाँ पर दोहरा शतक मारा। जी हाँ दोस्तों, शेफाली वर्मा ने अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए 197 गेंदें खेली। 197 गेंदों पर 205 रन बनाए, जिसमें 23 चौके और 8 छक्के लगाए। और दोस्तों ये किसी भी गेंदबाज से आउट भी नहीं हुई थी। ये शेफाली वर्मा 205 रनों के स्कोर पर रन आउट हुई मलाबा और जाफ्ता के हाथों, जिन्होंने 104.6 की शिकट से अच्छी बल्लेबाजी करी। वहीं दोस्तों स्मृति मंदाना की बात की जाए तो 161 गेंदों पर 149 रन की पारी खेली, 27 चौके और 1 छक्का लगाया 92.54 की स्ट्राइक रेट से। मंदाना शेफाली वर्मा दोनों ने मिलकर यहां पर 300 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप करी पहले विकेट के लिए। दोस्तों टक्कर गेंदबाजी करने मंदाना को 149 रनों के स्कोर पर यहां पर आउट किया। डेकरसन ने शानदार कैच किया, कप्तान मंदाना ने भी यहां पर 150 रन बना से चुक गई और सेंचुरी लगाई। तो वहीं शेफाली वर्मा ने डबल सेंचुरी मारी। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर सतीश शुभा बल्लेबाजी का नहीं, सतीश शुभा ने 27 गेंदे खेलते हुए 15 रन बनाए, जिसमें यहां पर 2 शानदार चौके लगाए। 55.55 की स्ट्राइक से अच्छी बल्लेबाजी करी। दोस्तों यहां पर क्लार्क गेंदबाजी का नहीं, क्लार्क ने अच्छी गेंदबाजी करी। वहीं यहां पर सतीश शुभा को जाफ्ता के हाथों कैच करवा कर 15 रनों के स्कोर पर चलता गया। चौथे नंबर पर दोस्तों जेमिया रोड्रिक्स बल्लेबाजी करने ही, दोस्तों इन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप करी। इन्होंने मंदाना के साथ मिलकर यहाँ पर 100 रनों की पार्टनरशिप करी, 55 रन बनाए, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी और 55 रन के स्कोर पर आउट अपना विकेट दे बैठी। पाँचवें नंबर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर रही टीम इंडिया की कप्तान, जिन्होंने 76 गेंदों पर 42 रन बना दिए। इस 42 रनों की पारी में 2 शानदार चौके भी लगाए। 55.26 की शेयर से अच्छी बल्लेबाजी करी। दोस्तों ये आज के जो फर्स्ट डे स्टंप था वहाँ पर यह नाबाद रही कौर 42 रनों के स्कोर पर और अपने 50 के बहुत करीब है यहाँ पर मात्र 8 रन दूर। वहीं दोस्तों ऋचा घोष जो कि यहाँ पर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी थी, हरमनप्रीत कौर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी 50 रन से ज़्यादा रनों की। इन्होंने T20 जैसी बल्लेबाजी करी, 33 गेंदों पर 43 रन ठोके, जिसमें 9 चौके लगाए। 130.30 की स्ट्राइक से ऋचा घोष ने बेहद शानदार बल्लेबाजी करी। वहीं दोस्तों टीम इंडिया ने यहाँ पर आज पहले विकेट पर फर्स्ट डे जो कि आज टेस्ट मैच खेला जा रहा है, फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट डे था, यहाँ पर 98 ओवर खेले पूरे दिन, जिसमें 525 रन बनाए 4 विकेट खोकर 5.35 की रन रेट से अच्छी बल्लेबाजी करी। टीम इंडिया को 16 रन एक्स्ट्रा के मिले। दोस्तों ही बात करते हैं यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन्स की टीम की तरफ से कौन सा गेंदबाज चमका। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड वुमेन्स की टीम ने आज टोटल अपने 7 गेंदबाजों का यूज़ किया। वहीं क्लास ने 14 ओवर में 63 रन दिए, 2 मेडन फेंके, विकेट नहीं मिला। वहीं नदीन दी क्लार्क ने 10 ओवर में 62 रन देकर 1 विकेट निकाला और 1 मेडन फेंका। वहीं देलमी टक्कर ने अच्छी गेंदबाजी करी, 26 ओवर में 241 रन दिए, महंगी साबित हुई, लेकिन यहाँ पर 2 बहुमूल्य विकेट निकाला, जिसमें से दोस्तों शेफाली वर्मा और यहाँ पर स्मृति मंदाना का विकेट बहुत ही बड़ा था। वहीं दोस्तों और कोई बल्लेबाज गेंदबाज को विकेट नहीं मिला। यहाँ पर मलाबा ने 24 ओवर में 113 रन दिए, 1 विकेट मेडन फेंका। तुमी सेकू ने 10 ओवर में 55 रन दिए। वहीं लुइस ने 3 ओवर में 15 रन दिए। वहीं डर्कसन ने 11 ओवर में 60 रन दिए। यहाँ पर टक्कर ने अच्छी गेंदबाजी करी, 2 विकेट निकाले। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट डे भारत ने बेहद ही बड़ा स्कोर खड़ा किया है और दोस्तों अगले दिन कौन कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी भारतीय टीम, देखना दिलचस्प रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।